Hey there guys, welcome back to my YouTube channel and I'm back with another vlog and today is legs and shoulder day. So आज की वर्कआउट स्टार्ट करूँगा विद दिस स्क्वाट ऑन दिस स्मिथ मशीन एंड 3 सेट्स करूँगा एंड 10 रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं करूँगा. सो अगर 10 रिपीटेशन मुझसे हो रहा है तो मैं वहीं पर स्टॉप कर दूँगा. सो उससे क्या होगा कि जब मैं हैवी वेट्स पर जाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा पुश कर पाऊँगा. एंड स्टार्ट करता हूँ आज की वर्कआउट वार्म अप करके. That was total 4 sets of the squats on the Smith machine and 10 kg weights on each set. I said 10 repetition ki karunga, usse zyada nahi karunga. And 10 repetition kiye maine. And second set mein 15 kg on each side, 10 repetition again. And on the third set, when I took 20 kg weights on each side, actually I did 9 repetition only. Lekin maine socha tha ki maine 10 repetition kiye, so thodi counting mein mistake ho gayi mujhse. So 9 repetition hi kiye, to be honest. And on the fourth set, 25 kg weight on each side and did 6 repetition. 6 से ज़्यादा बिल्कुल भी पुश नहीं कर पाया, बट वेट जो है शायद से मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है. येस, वन मोर थिंग, कल क्या हुआ था वर्टिकल प्रेस में, व्हेन आई डिड 130 LBS वेट ऑन दी वर्टिकल चेस्ट प्रेस मशीन, आई सेड कि मैंने लास्ट टाइम 9 रिपीटेशन किया था एंड इस बार 15 रिपीटेशन किया. सो लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने 9 रिपीटेशन किया था एंड मैंने कल क्या बोल दिया, मैंने 13 रिपीटेशन बोल दिया था गलती से. सो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसमें. आज के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लंजेस नहीं करूँगा एंड जो लेग प्रेस होता है वो भी नहीं करूँगा. सो लेग एक्सटेंशन करूँगा 3 सेट्स, देन लेग कर्ल करूँगा 3 सेट्स एंड लास्ट एक्सरसाइज इज दी सीटेड काफ रेसेस और दी वेटेड काफ रेसेस, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्किप कर दी थी. सेट वन आई टुक 50 LBS. सो लास्ट टाइम मैंने 40 से स्टार्ट किया था एंड इस बार 50 LBS से स्टार्ट किया एंड डे 50 रिपीटेशन, देन 60 LBS, डे 15 रिपीटेशन अगेन एंड 70 LBS, 15 रिपीटेशन अगेन. सो लाइक एक्सटेंशन में तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है एंड 3 सेट्स करूँगा लेग करके, लेकिन वेट जो है मैं 40, 50 एंड 60 रखूँगा इंस्टेड ऑफ 50, 60 एंड 70. एंड द रीज़न इज मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी तरीके का मसल पुल हो जाए एंड क्योंकि इसके बाद मुझे शोल्डर भी करना है लेग्स के बाद. सो वो भी ध्यान में रखूँगा एंड ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट 10 रिपीटेशन तो करूँ इन दी लेग कर्ल ऑन दी हैवीएस्ट वेट. डन विद द लेग कर्ल एंड 3 सेट्स में मैंने 10 रिपीटेशन ईच जो है कम्प्लीट किए. बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं करना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा पुश करना पड़ा एंड एक और हैवी भी जा सकता था, लेकिन शोल्डर भी करना है मुझे. सो लास्ट एक्सरसाइज लेता हूँ 50 kg काफ रेसेस एंड जो वेट होगा वो होगी 20 kg प्लेट ऑन दी फर्स्ट सेट, देन 25 एंड देन 30 kg एंड रिपीटेशन टोटल 50 रिपीटेशन करूँगा. एक बार किया था सेम वैसे ही. लेग्स की एक्सरसाइज भी हो गई. सो आउट ऑफ 50 रिपीटेशंस
20 kg weights. जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे ऑन फर्स्ट सेट आई डिड 18 रिपीटेशन, सेकेंड सेट में 25 kg वेट एंड 17 रिपीटेशन एंड 15 रिपीटेशन ऑन दी थर्ड सेट 30 kg वेट एंड स्टार्ट करूँगा शोल्डर की वर्कआउट. सो फर्स्ट एक्सरसाइज करूँगा ऑन दी ओवर हेड प्रेस मशीन पे लूँगा, डंबल्स नहीं करूँगा. सो 3 सेट्स करूँगा एंड वेट जो है लास्ट टाइम के जितना रखता हूँ, सॉरी लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, मुझे याद ही नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा. तो 110 LBS से स्टार्ट करता हूँ, देन 120 एंड 130 LBS एंड रिपीटेशन जितना जाएगा उतना. सो टिल फेलियर करता हूँ. सो ऑन दी 110 LBS आई डिड 15 रिपीटेशन एंड फेलियर मुझे नहीं मिला. सो मैंने 15 रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं किया एंड सेट टू 120 LBS 15 रिपीटेशन अगेन. थोड़ा हार्ड था जो कि लास्ट के जो रेप्स थे वो करना. एंड ऑन दी थर्ड सेट 130 LBS आई डिड 15 रिपीटेशन कम्प्लीट किए मैंने. सो तीनों में भी 15 रिपीटेशन कम्प्लीट किए. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेता हूँ लैटरल रिलीज एंड वेट सेम रहेगा 5 kg देन 7.5 एंड 10 kg डंबल्स. एंड आई गेस लास्ट टाइम 10 kg पे मैंने 11 रिपीटेशन किए थे. सो इस बार भी ट्राई करूँगा कि 11 तो कर ही लूँ. सो 15 रिपीटेशन एंड सेकेंड सेट 15 रिपीटेशन अगेन एंड ऑन दी थर्ड सेट 11 रिपीटेशन. सो प्रोग्रेस इज कॉन्स्टेंट इन दी लैटरल रेसेस एंड लास्ट एक्सरसाइज करूँगा आज के शोल्डर की वर्कआउट की एंड ओवरऑल वर्कआउट की भी दी रिवर्स फ्लाई. सो ऑन दी 80 LBS आई डिड 15 रिपीटेशन एंड 90 LBS रिवर्स फ्लाई आई डिड 13 रिपीटेशन एंड 100 LBS 12 रिपीटेशन. बहुत ही ज़्यादा टफ थे वो रिपीटेशंस एंड काफ़ी पुश किया, बट दो इट वॉज अ गुड लिफ्ट एंड ओवरऑल अ गुड वर्कआउट. एंड आज की वर्कआउट फिनिश हो गई इसी के साथ एंड कूल डाउन स्ट्रेचेस. सो बैक टू होम एंड टाइम टू कुक. एंड मेरे पास पड़े हैं पाव एंड मैं इन पाव का यूज़ करके कुछ फ्राइड स्टफ बनाऊंगा. सो ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी होगी, ये मेरी रेसिपी होगी पाव पकौड़ा. एंड इसके अंदर जो फीलिंग होगी यानी कि पाव के अंदर जो फीलिंग होगी वो पोटैटोज़ की नहीं होगी, यानी कि आलू के मसाले नहीं होंगे. मैं इसके लिए थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन चुनूंगा. सो वेजिटेबल्स की स्टफिंग करूंगा एंड सारी की सारी जो है वेजिटेबल्स अनकुक्ड होंगी तो उनके अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो लॉस नहीं होगा. एंड इसके साथ में मैं चीज़ भी ऐड कर दूंगा क्रिएट करके. सो अच्छे से जो है फीलिंग क्रिएट कर लूँगा एंड देन फिर उसको पाव के अंदर स्टफ़ कर लूँगा एंड उसे फिर बैटर में कोट करके फ्राई कर लूँगा. सो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा एंड स्ट्रीट स्टाइल भी हो गया एंड घर पे बन रहा है तो हाइजीनिक भी हो गया. सो स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन. क्योंकि मैं ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ये रेसिपी को बनाना, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वैसे ना बने जैसे कि मैं चाहता हूँ. सो बनाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रिजल्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट. ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रोसेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रेसिपी फेल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी. लेकिन ये देखिए, आई फाइनली मेड इट, दी वेजिटेबल पाव पकौड़ा, द चीज़ वेजिटेबल पाव पकौड़ा. एंड मैंने इसे कट भी किया है, ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है, परफेक्ट गोल्डन ब्राउन. सो फाइनली आई डिड इट एंड इतनी मेहनत की है तो टेस्ट करना तो बनता है. फर्स्ट बाइट में काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रंच मिला एंड टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है. वेजिटेबल की स्टफिंग है तो हेल्दी है ऑब्वियसली. सो ओवरऑल दिस रेसिपी इज़ अमेजिंग
एंड मैं डेफिनेटली इसे दोबारा बनाना चाहूँगा। एंड मैं तो चला इन वेजिटेबल चीज़ पाव पकौड़ों को फिनिश करने। एंड आज भी मैं बाहर वॉक के लिए नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही, तो इन्हें एंजॉय करता हूँ।